एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो अगेन होने वाला है आपका फेवरेट हॉल यानी कि मीशो हॉल। मीशो से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है मुझे ज्वेलरी के लिए, वेस्टर्न वियर के लिए, ब्लाउज़ के लिए, तो मैंने सभी को ऑर्डर किया हुआ है। जस्ट अभी मुझे ब्लाउज़ मिले हैं और अमेजिंग कलेक्शन है, डिज़ाइनर कलेक्शन है पूरा, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि मीशो पे सारा सामान अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है क्योंकि मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। अगर किसी को नहीं पता है मीशो क्या है या फिर जो मुझसे नए जुड़े हैं तो मैं उन्हें बता दूँ, मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो भी चीज़ पसंद आ रही है आप वहाँ से पिक कीजिए और शेयर कीजिए किसी अपने व्हाट्सअप पे, ग्रुप्स पे, इंस्टा पे, एफवी पे, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हैं। परचेस करेगा तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। इस तरीके से मीशो वर्क करता है और मीशो से आप खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके से मीशो बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है। एंड अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से मीशो डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा या फिर 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, और ये तभी होगा तब आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करेंगे। इधर उधर से बिल्कुल भी मीशो डाउनलोड मत करना, मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहीं से मीशो डाउनलोड करना। एंड ये जो साड़ी मैंने वियर की हुई है ये मैंने मीशो से ही परचेस की थी, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है और आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है इस साड़ी का। एंड अगर मैं साइड में पिक्चर लगाने की कोशिश करूँगी इसकी फुल इमेज कैसी लगती है, और साइड में थंबनेल भी लगवा दूँगी। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो एक बार जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना। काफ़ी अच्छा मैंने अमेजिंग कलेक्शन शेयर किया था और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। एंड अब मैं एक शॉर्ट जर्नी वीडियो प्ले कर देती हूँ जिसको देख के आपको पता चल जाएगा मीशो किस तरीके से काम करता है और कैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं मीशो। तो सबसे पहले आपको मेरे दिए हुए लिंक से मीशो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी आप परचेस करना चाहते हैं उसे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कुर्ता सेट मिल जाते हैं तो मैं यहाँ से कोई भी कुर्ता सेट जैसे पिक कर रही हूँ। यहाँ पे आपको पूरा कैटलॉग दिख जाएगा, वहाँ से जैसे मैंने ये वाला कुर्ता सेट पिक किया। अगर मुझे किसी को रीसेल करना है तो शेयर का ऑप्शन नीचे दिया हुआ होता है, आप वहाँ से इसका लिंक व्हाट्सअप पे, एफवी पे, जहाँ पे भी शेयर करना चाहे कर सकते हैं। उस लिंक से जो परचेस करेगा आपको कमीशन मिल जाएगा। और ख़ुद के लिए परचेस करना चाहते हैं तो साइज़ सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है नीचे, वहाँ से आप इसे कार्ट में ऐड कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन दोनों पेमेंट मीशो पे अवेलेबल होते हैं, जैसा आप करना चाहें। फिर वहाँ पे प्राइस का ऑप्शन आता है, तो अगर आप रीसेल कर रहे हैं तो अपना मार्जिन, अपने प्राइस ऐड करके, मतलब मार्जिन ऐड करके प्राइस लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना 75 रुपीज़ का मार्जिन ऐड कर दिया है और मैं अपनी यहाँ पे प्राइस अपडेट कर रही हूँ। ये प्राइस आपके कस्टमर के पास पहुँच जाएगी। और अगर आप खुद के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो सेम प्राइस या फिर 1 रुपी आप एक एक्स्ट्रा बढ़ा के और प्राइस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप परचेज़ कर सकते हैं। नीचे प्रोसेस का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए, डिलीवरी और मतलब जहाँ पे भी डिलीवर करना है वो एड्रेस डालिए, सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप मीशो पे शॉपिंग कर सकते हैं। मीशो पे प्रोडक्ट बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो प्लीज़ परचेस करने होना तो जैसे ही मैं शेयर करूँ आप वीडियो देखो वैसे ही परचेस कर लेना। बिकॉज़ क्या है, मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, यहाँ पे प्राइस बहुत कम होती है तो बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है। फिर आप बोलते हो कि मैम मिलता ही नहीं है दीदी, तो इसीलिए नहीं मिलता है। कोड मैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जस्ट आपको मीशो पे शॉपिंग कैसे करनी होती है, सर्च बार में जाइए, कोड वहाँ पे डालिए और उस पूरा कैटलॉग निकल के आ जाएगा। मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं। एंड इस तरीके से मीशो पे शॉपिंग हो जाती है। एंड इमेज से भी आप सर्च कर सकते हैं। प्राइस जो फर्स्ट ब्लाउज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ब्लाउज है। मुझे ये इमेज में देखते ही पसंद आ गया था, लेकिन जितना मैंने इमेज में देखा उससे बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे मिला है ये वाला ब्लाउज। ये मैंने ग्रीन कलर में परचेज़ किया है। आपको कलर ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे मीशो पे हर ब्लाउज़ में, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज़ कर लेना कलर। मेरे पास जो जो कलर नहीं थे मैंने वो ही कलर परचेज़ किए हैं, और सच बताऊँ मुझे ग्रीन में ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये वाला ब्लाउज, इसलिए मैंने एक ग्रीन वाला ब्लाउज़ परचेज़ किया है। तो कुछ ये बेंगलोरी सिल्क का ब्लाउज़ है, और सबसे पहले आप इसका पैटर्न देखो, कितना प्यारा पैटर्न है। स्लीव्स देखो इसकी, ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ है, डिज़ाइनर ब्लाउज है एक ग्रीन वाला। एंड यहाँ पे इन्होंने ये नेट दिया हुआ है, यहाँ पे जो है पूरे ऊपर की साइड फ्रंट में नेट आएगी। जब मैं आपको पिक्चर लगवा दूँगी साइड में इमेज में आपको पता चल जाएगा कैसा डिज़ाइन है इसमें। एंड बैक साइड में इसमें पूरे पे ये गोल वाला डिज़ाइन दिया हुआ है राउंड नेट का, और यहाँ पर ये डोरी दी रही है, डोरी में टसल्स दिए गए हैं। फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप एक सिंपल ब्लाउज भी स्टिच कराते हो मार्केट से पैडेड वाला तो 500 रुपीज़ लग जाते हैं यार। फाइव पैड इसमें लगे हुए हैं, पूरा पैडेड ब्लाउज़ है। अंदर की साइड इन्होंने ये इनर लगाया हुआ है, काफ़ी फाइन है इनर भी, आप देख सकते हो। स्टिचिंग काफ़ी अच्छे से की गई है।
एंड यहाँ पे आप इसे अल्टर कर सकते हो, ये 38 से 42 या 44 बस्ट साइज में आ जाएगा। ब्लाउज पे ये स्टोन लगवाए हुए हैं एंड आप इसकी स्लीव्स देखो, स्लीव्स है ना पूरी नेट की स्लीव्स है एंड लेयर में है ये पूरी। तो अगर आप मार्केट से ऐसा स्टिच करवाते हो बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाएंगे इस ब्लाउज को स्टिच करवाने में। और सबसे प्यारी मुझे इसकी स्लीव्स लगी और ये स्लीव्स पे पता नहीं इन्होंने क्या लगवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा रफल जैसा डिज़ाइन आता है स्लीव्स पे लेयर वाला। तो इस तरीके का ही फर्स्ट वाला ब्लाउज मिलेगा। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं काफ़ी टाइम से परचेज़ करने की सोच रही थी लेकिन मैंने परचेज़ नहीं किया था, फाइनली मैंने परचेज़ कर लिया। काफ़ी ब्यूटीफुल ब्लाउज़ है, दिखाती हूँ एक मिनट। देखो इस तरीके का ये कुछ ब्लाउज़ है, कलर ऑप्शन इसमें काफ़ी सारे अवेलेबल हैं मीशो पे। और मुझे बेबी पिंक कलर भी पसंद आ रहा था लेकिन पिंक कलर के ब्लाउज़ यार मेरे पास काफ़ी हो गए हैं, तो ये वाले कलर का ब्लाउज़ नहीं था, ये एक स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू कलर आता है ना वो वाला है। हो सकता है पिक्चर में थोड़ा डार्क दिख रहा हो पर बिल्कुल स्काई ब्लू लाइट वाला है, मतलब स्काई ब्लू भी या सी ग्रीन स्काई ब्लू कलर में मिक्स थोड़ा ऐसा कलर है, पिक्चर में ये स्काई ब्लू दिख रहा है बाकी बिल्कुल लाइट कलर में है थोड़ा। इसमें बेज कलर भी था, क्रीम भी था, अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज़ करना। एंड ये वाला ब्लाउज़ बहुत ही प्रिटी ब्लाउज़ है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। एंड इसका जो फैब्रिक है ये वो वाला फैब्रिक है जिस फैब्रिक की टेडी बियर आते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती क्या बोलते हैं इस फैब्रिक को ऐसे, तो वो वाला ये फैब्रिक है पूरा ब्लाउज़ है। एंड ये बीच बीच में इन्होंने सीक्वेंस लगवाए हुए हैं, आप देख सकते हो पूरे ब्लाउज़ में आपको सीक्वेंस का डिज़ाइन मिल जाएगा। एंड ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है, अंदर की साइड इन्होंने इसमें स्लीव्स दी हुई है, तो अपने अकॉर्डिंग अगर आप स्लीवलेस पहनना चाहते हो स्लीवलेस वियर करो, अगर स्लीव्स लगवाना चाहते हो आप लगवा सकते हो। एंड बैक की साइड इन्होंने ये वाला डिज़ाइन दिया हुआ है, ऐसा वाला डिज़ाइन आएगा बैक पे और यहाँ पे इन्होंने हुक दिए हुए हैं, बैक साइड से बंद होएगा और इसके टसल्स तो बहुत ही प्यारे हैं, इस तरीके के इन्होंने इसमें टसल्स दिए हुए हैं ब्लाउज़ में, काफ़ी अमेजिंग ब्लाउज़ है देखो, तो बहुत ही प्रिटी बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ है ये भी। अगर आपके बस्ट साइज़ 38-42 तक आराम से आ जाएगा, काफ़ी मतलब अच्छे इन्होंने मार्जिन दिया हुआ है ब्लाउज़ में, अंदर की साइड इन्होंने इसमें भी इनर लगवाया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग अल्टर वगैरह करवा सकते हो जैसे भी करवाना हो। तो ये वाला ब्लाउज़ ही मस्ट बाय है, जिस रेट में ये ब्लाउज़ मिल रहा है उस रेट में सिंपल ब्लाउज़ स्टिच होते हैं। तो गाइस अगर आप बाय करना चाहते हो ना जल्दी से बाय कर लो, काफ़ी अमेजिंग ऑफ़र है ये। नेक्स्ट ब्लाउज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है ना, इस तरीके का ये पूरा ब्लाउज़ है। अब नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे एज ए क्रॉप टॉप यूज़ कर सकते हो, साड़ी के साथ भी चल जाएगा एज ए क्रॉप टॉप, जितने भी ब्लाउज शेयर कर रही हूँ ना साड़ी के साथ एज ए क्रॉप टॉप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे, तो उस अकॉर्डिंग में वियर कर सकते हो यार, काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन है मीशो पे ब्लाउज़ का देखो इस तरीके का। और ये जो मिरर्स है ना पूरे, ये रियल मिरर्स है, प्लास्टिक मिरर नहीं है, तो ये ब्लाउज़ थोड़ा सा है ना हैवी लग रहा है उठाने में क्योंकि सारे मिरर्स जो हैवी हैं लेकिन इस तरीके से लगाए हुए हैं ना बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं और चुभेंगे नहीं बिल्कुल भी। कोई मतलब कई कमेंट आते हैं कि मैम इस तरीके के ब्लाउज़ चुभते हैं या फिर साड़ी वगैरह, नहीं ये वाला बिल्कुल इन्होंने अच्छे से स्टिच किए हुए हैं, अच्छे से लगवाए हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे क्योंकि अंदर की साइड इन्होंने लाइनिंग दी हुई है पूरे ब्लाउज़ में, पैडेड ब्लाउज़ है, स्लीवलेस है, स्लीव्स इन्होंने अंदर की साइड इसमें दी हुई है, अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हो। 38 से 42 में साइज में ये वाला ब्लाउज़ आ जाएगा, बहुत ही अमेजिंग ब्लाउज़ है। बीच बीच में इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कलर ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल थे इस पर, मुझे ये वाला कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था इसलिए मैंने ये परचेस किया। और कितना प्यारा कलर है आप देख सकते हो, कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं ये मिरर्स। और बैक साइड बता देती हूँ इसका, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिलेगा बैक साइड में, पीछे की साइड यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं तो बैक साइड से ये ओपन होता है और यहाँ पे डोरी दी गई है, डोरी पे टसल्स दिए हुए हैं। छोटे से साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो मैंने ब्लाउज़ पहना हुआ है इसी का मैंने सेकंड कलर लिया है, पर ये ब्लाउज़ मेरे जो है साड़ी के साथ आया था और ये वाला जो मैंने सिंगल ब्लाउज़ लिया है विदाउट साड़ी और ये ब्लैक कलर में मैंने ब्लाउज़ लिया है, सेम यही ब्लाउज़ है, थोड़ा फ्लावर प्रिंट अलग हो रहा है, सेम वो ही फैब्रिक है। तो इस तरीके का ये वाला ब्लाउज़ मिला है मुझे, क्या बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाला ब्लाउज़, सब साड़ी के साथ में आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, एज ए क्रॉप टॉप पहन सकते हो, तो इसलिए मुझे ये वाला ब्लाउज़ अच्छा लग रहा, तो मैंने इसका सेकंड कलर भी ले लिया यार, बहुत अमेजिंग है।
इस तरीके का ये बेंगलोरी सिल्क में पूरा ब्लाउज है। बैक साइड आपको कुछ इसकी ऐसी वाली मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने डोरी वाला डिज़ाइन दिया हुआ है एंड पूरा ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर प्रिंट ब्लाउज है। एंड आप देख सकते हो स्लीव्स इसमें अंदर दी हुई है और ये भी 38 से 42 साइज में आराम से आ जाएगा। और मैंने क्या है इसे थोड़ा ऑल्टर किया हुआ है, मेरे थोड़ा बड़ा था ये वाला ब्लाउज, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के कर सकते हो। तो इस तरीके का बहुत ही प्रिटी सा ये वाला फ्लावर प्रिंट ब्लाउज मिलेगा। और ये वाला भी ब्लाउज आप किसी भी साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ब्लाउज वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए, क्या है मस्ट बाय ब्लाउजेज हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरीके के ब्लाउज। तो ये वाला मैंने नेक्स्ट ब्लाउज परचेस किया है। अब उससे नेक्स्ट मैं आपको ब्लाउज बताती हूँ, ये वाला भी बहुत ही प्रिटी ब्लाउज है गाइस, मतलब इस तरीके का ब्लाउज मिलेगा। इसकी आप जो है नेक देखो कितनी ज़्यादा अलग है, बहुत ही अमेजिंग नेक है, कलर बहुत अच्छा लग रहा मुझे इसमें। मैंने ग्रे कलर परचेस किया है, क्या ग्रे कलर का एक भी ब्लाउज मेरे पास नहीं था। और ये कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो सभी के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो एंड इसमें भी कलर ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल है। मुझे ग्रे कलर पसंद आया था तो इससे क्या है आप कोई सी भी साड़ी के साथ पेयर अप कर सकते हो। एंड इसका जो है नेक का डिज़ाइन, नेक वाला पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्लीवलेस ब्लाउज है, अंदर की साइड इसमें भी स्लीव्स दी हुई है, सभी में स्लीव्स मिल जाती है अंदर की साइड, आप अपने अकॉर्डिंग देख के लगवा सकते हो। और साइज़ वही 38 से 42 में आ जाएगा। और ये पूरे ब्लाउज पे जो है गोल्डन प्रिंट किया हुआ है एंड ये वाली जो है बीच बीच में ये एम्ब्रॉयडरी है, इतनी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये भी एक पैडेड ब्लाउज मिलेगा, अच्छा ब्लाउज है, बैक की साइड से ओपन होता है। यहाँ पे इन्होंने ये हुक्स दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा और डीप नेक है सारे ब्लाउज के, नेक भी इन्होंने काफ़ी डीप, एक मिनट, काफ़ी डीप दिए हुए हैं। आप बैक देख सकते हो काफ़ी डीप मिल जाएगा। सबसे अच्छा मुझे इसका जो है मतलब जो नेक पार्ट बहुत ही अमेजिंग है, थोड़ा हटके है, ऐसे यूनिक है थोड़ा, तो इसलिए अच्छा लगेगा। और ये यहाँ से ओपन होता है, जब आप इसे वियर करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इसे वियर करना है। तो इस तरीके का ये वाला बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज मिलेगा। अब जो लास्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने अभी परचेस नहीं किया था, ये मैंने थोड़े दिन पहले परचेस किया था, लाइक 3 या 4 मंथ पहले परचेस किया होगा। और अमेजिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आया। इसको मैंने काफ़ी सारी साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच किया तो अच्छा लगा मुझे, मैंने सोचा वीडियो शेयर कर देती हूँ। अभी भी मिल रहा है ये वाला ब्लाउज, अगर आप बाय करना चाहो कर सकते हो। देखो ऑफ शोल्डर ब्लाउज है ये वाला, 8 सेकेंड, कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा इस ब्लाउज का। 8 सेकेंड गाइस, हाँ ये इसका फ्रंट साइड है, इस तरीके का ये ब्लाउज मिलेगा। ये जो पूरा है ये पर्ल लगाए हुए हैं पूरे ब्लाउज पे और आप देख सकते हो मैंने इतने दिन इसे काफ़ी बार पहन लिया है मैंने इसे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हटा। और आप कलर देख सकते हो कितना अच्छा डार्क कलर है, रॉयल ब्लू कलर है ये वाला, रॉयल ब्लू कलर का मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये कलर परचेज़ किया। पीछे की साइड इन्होंने बैक दे रखी है, थोड़ा आपको ये ब्लाउज ऐसा लग रहा होगा छोटा छोटा क्योंकि मैंने इसे ऑल्टर करवा लिया है, तो ये ब्लाउज़ वैसे काफ़ी बड़ा आया था, 38 से 42 साइज़ में आप आराम से वियर कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग इसे फिटिंग करा लिया है। और ये एक पैडेड ब्लाउज़ है, पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लुक आता है इस ब्लाउज़ को भी। तो अगर इसमें भी कलर ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप देख के बाय कर सकते हो। और इसमें शायद है ना स्लीव्स नहीं आई थी, हाँ ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज है तो इसमें स्लीव्स नहीं आई थी, तो कुछ इस तरीके का इसका लुक मिलेगा, काफ़ी अच्छा लुक है इसका भी। तो गाइस आई होप आपको आज का ये मेरा कलेक्शन ब्लाउज का पसंद आया होगा, और प्लीज़ पसंद आया तो डेफिनेटली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस तरीके के मीशो हॉल डेली लाती रहती हूँ अपने चैनल पे एक दो दिन में, और काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन आने वाला है। आगे ओकेज़न आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा आ रही है, उसके लिए मैं काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। कॉमेंट करके बताना सबसे अच्छा ब्लाउज कौन सा लगा, और कोई वीडियो देखना चाहते हो उसके कोड भी कमेंट कर देना, मैं ऑर्डर कर दूंगी जैसे ही आते हैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।